हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएलसी लर्निंग पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टाइम कंपेयर के बारे में, जिसे TCMP से डिनोट किया जाता है। बेसिकली टाइम कंपेयर का ब्लॉक कुछ इस तरह से बनता है। इसमें एक सोर्स होता है जो कि करंट टाइम मतलब रियल टाइम क्लॉक को दिखाता है। रियल टाइम क्लॉक क्या होती है, किस तरह से काम करती है, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। इसमें एक सोर्स वन होता है जो कि आवर्स को कंपेयर करता है, सोर्स टू मिनट को कंपेयर करता है और सोर्स थ्री सेकंड को कंपेयर करता है। इसमें डी का मतलब डेस्टिनेशन होता है जो कि कंपेयर रिजल्ट को दर्शाता है। इसमें कंटिन्यूस तीन आउटपुट मतलब तीन मेमोरी बिट या तीन आउटपुट ऑक्यूपाई होते हैं, तीन आउटपुट रिजर्व होते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ और देख लेते हैं टाइम कंपेयर इंस्ट्रक्शन किस तरह से काम करता है। दोस्तों, जो कंपेयर इंस्ट्रक्शन होता है वो तीन तरह से बिहेव करता है, या कह सकते हैं तीन तरह के आउटपुट जनरेट करता है। एक होता है लेस देन, दूसरा होता है इक्वल टू और तीसरा होता है ग्रेटर देन। ठीक है, तो वैल्यू यदि सेट वैल्यू से कम है तब एक आउटपुट जनरेट करता है। यहाँ पर हमने आउटपुट वाई ज़ीरो लिया हुआ है। ठीक है, यदि इक्वल टू हो जाती है वैल्यू तो वहाँ पर ये वाई वन को ऑन करेगा, और यदि ग्रेटर देन वैल्यू होती है मतलब सेट वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू चली जाती है तो फिर ये वाई टू को ऑन कर देता है। ठीक है, अब देखिए, हमें यहाँ पर सबसे पहले टाइम को कंटिन्यू मॉनिटर करने के लिए LDM1000 हमें बिट यूज़ करना पड़ेगी जो कि कंटिन्यूस ऑन होती है। ठीक है, ये देखिए TRD जो इंस्ट्रक्शन है ये टाइम को रीड करने के लिए। ठीक है, टाइम को रीड करने के लिए हमने यहाँ पर एक D10 डाटा रजिस्टर लिया है। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। D10 से लेकर D16 तक मतलब टोटल 7 डाटा रजिस्टर टाइम रीड इंस्ट्रक्शन रिजर्व करता है। और यदि इस टाइम को हमें चेंज करना हो मतलब रियल टाइम जो इसके अंदर चलती है उसको यदि हमें चेंज करना हो तो रियल टाइम को चेंज करने के लिए TWR मतलब टाइम राइट एक इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, इसके द्वारा हम इस रियल टाइम को चेंज कर सकते हैं। ये होता है टाइम रीड। तो यहाँ पर हमें एक टाइम रीड इंस्ट्रक्शन यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद हमें TCMP, देखिए TCMP मतलब टाइम कंपेयर। ठीक है, एक बार यदि हम इंटर करते हैं तो इस तरह से एक ब्लॉक बन जाता है। अब हमें कंपेयर जो करना है वो देखिए D20, D21 और D22। हम यहाँ पर कोई भी डाटा रजिस्टर, तीन कंटिन्यूस डाटा रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर मॉनिटर टेबल में D20, 21 और 22 यूज़ करें। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम D20, उसके बाद D21, फिर यहाँ पर D22। ठीक है, तो ये है आवर्स मिनट और सेकंड, तीन अलग अलग डाटा रजिस्टर में तीन अलग अलग वैल्यू जाने वाली है। अब यहाँ पर देखिए, जो मेन सोर्स है उसमें रियल टाइम कैलेंडर डालना है, करेंट टाइम ऑफ कैलेंडर। ये तीन कंटिन्यूस डिवाइस को रिजर्व करता है। देखिए, यहाँ पर हमने जो D10 यूज़ किया था उसके अकॉर्डिंग D14, 15 और 16 इन तीन डाटा रजिस्टर के अंदर आवर्स मिनट और सेकंड स्टोर हैं, रिजर्व हैं। इसलिए हम यहाँ पर D14 यूज़ करेंगे। देखिए, जब हम D14 यूज़ करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसके आगे के दो और डाटा रजिस्टर को रिजर्व कर लेगा, 15 और 16 को, जिसके अंदर मिनट और सेकंड की वैल्यू जाएगी। ठीक है, अब रही बात आउटपुट की, डेस्टिनेशन में हमें आउटपुट डालना है। तो आउटपुट मैंने यहाँ पर देखिए Y0, Y1, Y2 यूज़ करें, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ Y0। तो ये Y0 के बाद Y1 और Y2 को भी रिजर्व कर लेगा। ठीक है, Y0 लेस देन के लिए रहेगा, Y1 इक्वल टू के लिए और Y2 ग्रेटर देन के लिए। ठीक है, अब ये देखिए, ये कंपेयर टाइम है। इन डाटा रजिस्टर के अंदर वैल्यू को हम डालते हैं। ठीक है, और ये जो D14, 15 और 16 तीन डाटा रजिस्टर है ये एक तरह से रियल टाइम है। ठीक है, तो हम रियल टाइम को सेट वैल्यू से मतलब एक्चुअल टाइम को सेट टाइम से कंपेयर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आता है उसके थ्रू हम आउटपुट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस प्रोग्राम को हम ऑनलाइन करते हैं, चेक करते हैं कि टाइम कंपेयर इंस्ट्रक्शन किस तरह से काम करता है। देखिए, प्रोग्राम को ऑनलाइन करेंगे, ऑनलाइन करने के बाद इसको एक बार यहाँ से रन करेंगे। ठीक है, अब प्रोग्राम रन हो चुका है। जैसे ही प्रोग्राम रन होता है, जो रियल टाइम क्लॉक है मतलब PLC के अंदर जो इनबिल्ड रियल टाइम क्लॉक है उसकी वैल्यू जो हमने टाइम रीड इंस्ट्रक्शन के द्वारा 7 डाटा रजिस्टर लिए हैं इसके अंदर शो हो जाती है। ठीक है ना, अब ये जो टाइम कंपेयर इंस्ट्रक्शन है इसमें देखिए D20, 21 और 22 हमने ये तीन डाटा रजिस्टर आवर्स मिनट और सेकंड के लिए यहाँ पर रिजर्व करें। यहाँ पर हमें इन तीन डाटा रजिस्टर के अकॉर्डिंग आउटपुट को कंट्रोल करना है। ठीक है ना, अब देखिए फिलहाल यहाँ पर वैल्यू ज़ीरो है, इसकी वैल्यू ज़ीरो है मतलब ये जो सेट वैल्यू है ये सेट वैल्यू अभी 0 0 0 है, और जो रियल टाइम क्लॉक है वो अभी ज़्यादा है मतलब इसका टाइम इस टाइम से ज़्यादा है। ज़्यादा होने की वजह से ये जो Y2 है ये ऑन है। ठीक है, जब सेट वैल्यू का टाइम रियल टाइम के बराबर हो जाता है तब Y1 ऑन होता है,
और जब रियल टाइम क्लॉक इस सेट वैल्यू से कम होती है, मतलब इसकी वैल्यू उससे कम रहती है, तो फिर वाई जीरो ऑन होता है। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। देखिए यहाँ पर D20 के अंदर आवर्स है, ठीक है ना। तो मैं इसकी सेटिंग को एक बार चेंज करता हूँ, यहाँ से चेंज प्रेजेंट वैल्यू। अभी वाई टू ऑन है, देखिए D20 के अंदर आवर्स है और जो एक्चुअल आवर्स है वो कितने हैं, 15, ठीक है। तो अभी हम आवर्स को कंट्रोल नहीं करेंगे, मैं D20 के अंदर 15 डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये 15 है। अब मिनट कितने चल रहे हैं अभी, देखिए 38, तो मैं 39 कर देता हूँ, D21 के अंदर 39 करूँगा और D22 के अंदर मैं 10 कर देता हूँ, मतलब सेकंड, इसको देखिए यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ। अभी देखिए जो एक्चुअल टाइम है, मतलब जो हमने जो रियल टाइम है, जो रियल टाइम क्लॉक है, वो रियल टाइम क्लॉक इस सेट वैल्यू से कम है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये 47 है, 38 47, ठीक है। यहाँ पर 39 हमने 10 सेकंड यूज़ किया हुआ है। तो जब ये रियल टाइम क्लॉक इस सेट वैल्यू से कम है, तो इसने वाई जीरो को ऑन किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए जैसे ही यहाँ पर ये 39 10 होता है, तो ये 1 सेकंड के लिए वाई वन को ऑन करेगा, फिर उसके बाद कंटिन्यू वाई टू को ऑन कर देगा। देखिए 7 8 9 10, देखिए वाई वन ऑन हुआ और तुरंत फिर वाई टू ऑन हो गया, ठीक है ना। अब ये कंटिन्यू वाई टू ऑन रहे, देखिए ये वाला जो टाइम है ये रियल टाइम यहाँ से उठा रहा है, ठीक। देखिए ये 15 39 40 है, तो यहाँ पर भी ये 15 39 40 के आसपास टाइम है, ठीक है। तो ये जो रियल टाइम है, इस रियल टाइम को ये उठाता है, ठीक है। हम यहाँ पर कोई हार्डवेयर PLC यूज़ नहीं कर रहे हैं, एक सिमुलेटर यूज़ कर रहे हैं, और सिमुलेटर इसी सिस्टम के रियल टाइम को उठाता है, ठीक है। तो इस तरह से रियल टाइम क्लॉक के थ्रू हम टाइम को कंपेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइम जोन कंपेयर के बारे में, ठीक है, जिसमें हम एक जोन बना लेंगे कि हमें 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में किसी आउटपुट को ऑन करना है, बाकी टाइम में ऑफ करना है। जैसे हमें किसी इंडस्ट्री में सुबह 9 बजे किसी मोटर को ऑन करना है और 5 बजे शिफ्ट एंड में किसी मोटर को ऑफ करना है, या AC को ऑन करना है, AC को ऑफ करना है, या लाइट ऑन ऑफ करना है, कुछ भी ऑपरेशन कराना है जो हमें एक टाइम के अंदर चाहिए, ठीक है, कि हमें 9 बजे ऑन कराना है और 5 बजे ऑफ कराना है। तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, जोन बना लेते हैं, ठीक है। और उस जोन के इक्वल जब वैल्यू हो जाती है, तो फिर उस Y1 के अकॉर्डिंग हम उस आउटपुट को कंट्रोल कर लेते हैं, हम उस मोटर को या AC को या लाइट को हम कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक। उसके लिए टाइम जोन कंपेयर एक इंस्ट्रक्शन होता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।